the assignment number 6 in the question bank series. और ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपके स्कोर को इम्प्रूव करेगा और आपको जो है 80% से ऊपर लेके जाएगा. और इस चैप्टर का नाम है इंडेक्स नंबर्स. क्वेश्चन नंबर 18, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. प्राइस इंडेक्स पूछा है आपसे बाय लेस्पियर्स मेथड, पास्चर्स मेथड एंड फिशर्स मेथड. तीन मेथड से पूछा है. बेस ईयर और करंट ईयर दो का डेटा दे रखा है. कमोडिटीज ए बी सी डी ई दे रखी हैं. बेस ईयर प्राइस क्वांटिटी, एक्सपेंडिचर क्वांटिटी. ओके, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 19. यूजिंग द फॉलोइंग डेटा कंस्ट्रक्ट फिशर्स आइडियल इंडेक्स एंड शो दैट इट सेटिस्फाइज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एंड टाइम रिवर्सल टेस्ट. तो कई बार क्वेश्चन आपका टेस्ट के ऊपर बेस्ड होता है, तो इसलिए आपको फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और टाइम रिवर्सल टेस्ट लगाना है. यहां कमोडिटी ए बी सी डी ई दे रखी है, बेस ईयर और करंट ईयर, और ये जो प्राइस दे रखा है दैट इज रुपीज पर यूनिट है. बेस ईयर का 6, 10, 5, 15, 20 और करंट ईयर का 8, 10, 7, 20 एंड 25. और उसी तरह से नंबर ऑफ यूनिट्स दे रखे हैं, बेस ईयर के 10, 5, 8, 12 एंड 15 और करंट ईयर के दे रखे हैं 12, 8, 10, 15 एंड 10. देन क्वेश्चन नंबर 20, ये है इन कैलकुलेटिंग ए सर्टन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के बेस्ड है. द फॉलोइंग वेट्स वर यूज्ड. फूड के लिए 15 है, क्लोथिंग के लिए 3 है, रेंट के लिए 4 है, फ्यूल एंड लाइट के लिए 2 है, मिसलिनियस के लिए 1 है. कैलकुलेट द इंडेक्स फॉर द पीरियड व्हेन द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ आइटम्स इन द वेरियस ग्रुप्स ओवर द बेस पीरियड वर 32%, 54%, 47%, 78% एंड 58% रिस्पेक्टिवली. अब यहां पे इसका मतलब है ये फूड की आइटम है, ये क्लोथिंग की आइटम है, ये रेंट की आइटम है, ये फ्यूल की आइटम है, ठीक है जी, और ये आपके पास लाइट की आइटम है. रिस्पेक्टिवली वर्ड आपके पास यूज किया है. 1, 2, 3, 4 एंड 5. ये फूड के लिए हो गया, ये क्लोथिंग के लिए हो गया आपका, ये रेंट के लिए हुआ, ये आपका फ्यूल एंड लाइट के लिए हुआ और ये मिसलिनियस के लिए हो गया. ठीक है. अच्छा, अब उसके बाद है सपोज ए बिजनेस एग्जीक्यूटिव वाज अर्निंग रुपीज 2050 इन द बेस पीरियड. बेस पीरियड में वो इतना पैसा अर्न कर रहा है. व्हाट शुड बी हिज सैलरी इन द करंट पीरियड इफ हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज टू रिमेन द सेम. तो प्राइसेस के इन कंपेरिजन टू बेस ईयर जो प्राइसेज इंक्रीज हुए उसके अकॉर्डिंगली उसकी सैलरी भी इंक्रीज होगी. तो अगर सैलरी इंक्रीज होगी तो कितनी सैलरी इंक्रीज होगी वो आपको बताना है. तो ये आपको तीन क्वेश्चंस हैं. तो पहला जैसे मैंने बताया आपको कि ये पहला सिंपल क्वेश्चन, उसके बाद फिर आपके पास ये टेस्ट लगाने के बाद, और फिर उसके बाद जो है आपका एक क्वेश्चन जो है वो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन. ठीक है जी. ओके, आई होप कि ये भी असाइनमेंट आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगी.